उत्तराखंड में पूरी तरह गर्मी आने से पहले मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल लिया है। रविवार को ही बारिश के बाद 30 डिग्री को छू रहे तापमान में मौसम के करवट लेने के साथ ही गिरावट दर्ज हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ से लेकर मैदानों तक बूंदाबांदी बारिश और तेज हवाओं ने सर्दी का एहसास कराया है। तो वहीं आज भी आंशिक रूप से बारिश बूंदाबांदी के आसार है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार है। इससे केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं। निदेशक मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन बाद मौसम साफ होगा, लेकिन 3 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसे मॉनिटर किया जा रहा है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। पहले गर्मी की मार झेल रहे, गर्मी लगातार बढ़ रही थी और लेकिन बारिश होने से तापमान में गिरावट महसूस की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और दो दिन बाद मौसम साफ होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और 30 डिग्री तापमान छूने के बाद मौसम में अब गिरावट आई है, जहां हल्की बूंदाबांदी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। तो गर्मी में भी सर्दी का एहसास करा रहा मौसम बारिश के कारण एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। ये रिकॉर्ड बारिश के चलते बनाने जा रहे हैं। दरअसल राज्य में साल 1967 में मार्च महीने में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई थी। राजधानी दून में साल 1967 के मार्च महीने में 198 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो वहीं इस साल मार्च महीने में अब तक 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। कुल मिलाकर राज्य में अभी तक 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। सामान्य तौर पर 50 मिलीमीटर तक बारिश ही दर्ज होती है। मुख्यमंत्री हरीश रावत अप्रैल के पहले हफ्ते में सड़क मार्ग से केदारनाथ समेत चारधाम की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। सीएम हरीश रावत ने कहा कि उनका चारधाम यात्रा क्षेत्रों में जाने का कार्यक्रम 31 मार्च और 1 अप्रैल को था, लेकिन मौसम के कारण इसको कुछ दिन पीछे किया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा पर सड़कों को लेकर विपक्ष के निशाने का जवाब देते हुए हरीश रावत ने कहा कि वे कभी दावा नहीं किया कि हर चीज परफेक्ट होगी, लेकिन 2012 से पहले जो सड़कों के हालात थे उसे बेहतर की स्थिति होगी। आमंत्रित भी किया है, उनको एक प्रोजेक्ट भी दिया है जिसमें हमने 110 करोड़ रुपया उनसे मांगा है। हम कुछ और काम वहाँ पर जो हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है हमारी प्रोग्रेस जो है। अब हम ये तो हमने कभी दावा नहीं किया कि बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2012 में जो राइडिंग क्वालिटी थी उससे बेहतर राइडिंग क्वालिटी हम इस समय सड़कों की देंगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मचा है। इस घमासान के बीच आलाकमान के दबाव और दखल की भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस में हरीश रावत ही बॉस हैं। जब से वो पावर में आए हैं, जो चाह कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूबे का नया निजाम बनने के बाद यहाँ की सियासत में हरीश रावत का ही सिक्का चल रहा है। सियासत वही मोड़ लेती है जो हरदा चाहते हैं। मामला दायित्वों का हो, कार्यकारिणी का हो, टिकट बंटवारे का हो, मंत्री पद देने का हो, हर मामले में बाजी हरीश रावत ने ही मारी है। सीएम बनने के बाद कांग्रेस में ऐसे कई फैसले हुए जो दिखाते हैं कि हरीश ही एकमात्र बॉस है। सीएम बनने के बाद खाली हुई हरिद्वार सीट का टिकट अपनी पत्नी के नाम करने में कामयाब। मंत्रियों की शपथ के बाद 1.5 महीने तक लटकाए रखा, मंत्रियों की नाराजगी का कोई असर नहीं। सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत को मंत्री पद से हटाया। बहुगुणा के विरोध के बावजूद दिनेश धने को बना दिया मंत्री। कई विधायकों को दिया कैबिनेट रैंक। सुरेंद्र राकेश के निधन के बाद खाली पद पर लटकाया फैसला। कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी रहा सीएम हरीश रावत का दबदबा। 80% लोग हरीश रावत के। अब तक मिले दायित्वों में भी हरीश के चहेते एडजस्ट। हालांकि कांग्रेसी नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री हरीश रावत जन सरोकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए फैसलों में उनकी छाप होती है और दूसरे सीएम रिस्क लेने से नहीं डरते। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी एक जन सरोकारी नेता के रूप में इस राज्य में जाने जाते हैं। अब इसे आप रिस्क के रूप में बेशक कह सकते हैं, पर जन भावनाओं के अनुरूप फैसले लेना
ये उनके स्वभाव में है, उनके उस स्वभाव का लाभ पार्टी को भी मिला है और जनता को भी निश्चित रूप से मिल रहा है। तो मेरे विचार से उसको इस तरह से वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। हरीश रावत जी आज के दिन में उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में हैं और 2000 से लेकर के 2007 तक उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो उन्होंने उस एकाधिकार का प्रदर्शन किया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और एक तरह से पूरी तरह से पार्टी एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है। हरीश रावत के तेवर, फैसले लेने में तेजी और मनमौजी तरीके से काम करने की आदत से कई बार उन्होंने विरोध भी झेला, लेकिन रावत ने फिर भी वही किया जो मन किया। उत्तराखंड कांग्रेस में तमाम नेता हो और कांग्रेस तमाम गुटों में बटी हो, लेकिन साफ है कि उत्तराखंड में अब कांग्रेस का बॉस हरीश रावत के अलावा कोई नहीं है। जी हाँ, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो जो फैसले लेने चाहे वो लिए हैं और किसी का विरोध नहीं सहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सीएम की यही बॉसगिरी क्या 2017 कांग्रेस को दिलाने में सफल होगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। मुख्यमंत्री हरीश रावत भगवानपुर पहुंचे, यहां सीएम ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवानपुर के उपचुनाव में बीजेपी जनता को गुमराह करने में लगी है, जबकि उत्तराखंड के 3 उपचुनावों में बीजेपी को भूखी खानी पड़ी थी। इस बार जनता गुमराह नहीं होगी। दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश ने भगवानपुर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए हैं और उत्तराखंड सरकार भी लगातार भगवानपुर के साथ साथ पूरे हरिद्वार जनपद में विकास की गंगा बहा रही है। मुख्यमंत्री ने सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश को उपचुनाव में लोगों से भारी बहुमत में जिताने की अपील की। भगवानपुर और हरिद्वार की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है मौसमी लोगों को और हमेशा वालों को। कांग्रेस उनकी हमेशा की साथी है और ये लोग मौसमी लोग हैं जो समय पर मौसम देख करके आते हैं, मौसम बीत जाता है तो फिर देखते नहीं है। प्रदेश में यूं तो बाल सुरक्षा से लेकर शिशु स्वास्थ्य योजना तक चलाई जा रही है, लेकिन इन सबके बावजूद प्रदेश में हर माह 100 से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के नाम पर हर साल करोड़ों दे रही है, पर इसके साथ शिशु स्वास्थ्य कल्याण के नाम पर करोड़ों का बजट पास हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके बच्चों को कुपोषित होने से ये साबित करता है कि योजनाएं धरातल पर काम नहीं कर रही हैं। हर माह अकेले दून अस्पताल में ही 3 से 5 बच्चे कुपोषण का इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य महकमे पर कई सवाल खड़े करता है। एक बच्चा हमारे पास त्योनी चक्रात से आया जो बहुत अधिक कुपोषित है और एक्यूट है, मतलब अभी 1-2 महीनों में ही उसको बहुत सीवियर कुपोषण हुआ है और उसको संक्रमण भी है, उसको यूरिन इन्फेक्शन है, निमोनिया भी है। अति कुपोषित अवस्था में बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं माह में लगभग 2 या 3 बच्चे हमारे पास आते हैं और जिनका हम उपचार करते हैं, निदान करते हैं और फिर उनको समुचित उनके आहार की संबंधी जानकारी उनको देते हैं। वहीं ऊर्जा विभाग में मानकों में फर्जीवाड़ा कर चहेतों को फिट किया जा रहा है। एमडी के बाद अब निदेशक की भर्ती को लेकर भी विभाग स्तर पर खींचतान तेज होने लगी है। कर्मचारी नेताओं का दावा है कि निदेशक की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। पहले से जो अर्हताएं मांगी जाती रही हैं अब उनके दरकिनार कर चहेतों को फिट करने के लिए मानकों में ही बदलाव किए जा रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। इसके बावजूद सब कुछ तय किया जा चुका है कि कौन सा अधिकारी किस पोस्ट पर तैनात होगा। बार के सारे एडवर्टीजमेंट निकाल के देखिए, उसमें कहीं पर 20 ईयर एक्सपीरियंस की बात कही गई है, कहीं 15 ईयर की गई है और लगातार चला रहा है, लेकिन अब उसको घटा के 10 साल कर दिया गया है। वहां कहा गया था कि जीएम को जो है 2 साल की सर्विस कम से कम उसकी होनी चाहिए, अब घटा करके कर दिया कि खाली जीएम होना चाहिए, 2 साल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुनर्नियुक्ति के मामले को लेकर लोग 10 साल से पुनर्नियुक्ति पे चल रहे और पूरा उन्होंने ढांचे को संभाल रखा। बाहर की प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट लाइजनिंग हो, वही लोग कर रहे, पुनर्नियुक्ति दे रहे, बहुत योग्य बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे। ये सिलसिला हमको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा।
वहीं आरटीओ महकमे में कमर्शियल लाइसेंस रिन्यूअल में हुए फर्जीवाड़े के मामले में एक दलाल की गिरफ्तारी के बाद विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि दलाल की गिरफ्तारी से मामला यहीं थमने वाला नहीं है। उन्होंने सवाल किए कि 600 लाइसेंस क्या सिर्फ दलाल ने ही बना लिए, इसमें विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसी की भूमिका नहीं रही होगी और सर्टिफिकेट जहां से जारी हुए वहां किसकी जिम्मेदारी थी। सदन में इस मामले पर आवाज बुलंद करने वाले विधायक हीरा सिंह बिष्ट अब दुखी और हताश नजर आ रहे हैं। वहीं आरटीओ प्रशासन के मुताबिक मामले में मुख्यालय स्तर से पड़ताल हो रही है, हालांकि उनका यह भी कहना है कि विभाग की भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। असेंबली क्वेश्चन लगाया फर्जी रिन्यूअल पे, तो आपने क्या कर दिया, दलाल को बंद कर दिया दिखाने को। दलाल से क्या लेना देना, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो कर्मचारी नहीं है, आप क्यों आंखों में धूल झोंक रहे सरकार के। तो ये एक बड़ा उदाहरण मैंने दे दिया, कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ किसी को काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। एक तरफ पुलिस रिपोर्ट लिखवा दीजिए हमने, एक तरफ आपने उसी विभाग की मामले की जांच दे दी अधिकारी को, दो जांच कैसे दे सकते सेम प्रकरण। हमारे मुख्यालय स्तर पर संभागीय परिवहन अधिकारी मुख्यालय जो है इस प्रकरण पर जांच कर रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से उनको दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और जहां तक पेपर में कमीशन और इसकी जो बात कही गई है उसमें अभी ऑफिशियली हमारे पास ये नहीं आया है कि हमारे यहाँ से ऑफिस का कोई भी कर्मचारी संलिप्त है उसमें। उधमसिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने रुद्रपुर तहसील में ई डिस्ट्रिक्ट योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब लोगों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र मिल सकेंगे। इस मौके पर डीएम ने कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत अब पटवारी से लेकर एसडीएम तक सारे अधिकारी ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट लगाएंगे और उनके डिजिटल हस्ताक्षर मान्य होंगे। सहाय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के लिए अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदकों को स्कैन करके अपने सारे प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने होंगे, उनकी जांच के बाद शीघ्र ही प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। मैं बागेश्वर में गरुण तहसील के अंतर्गत बूंगा के कांदली तोक में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, साथ ही मवेशियों के मारे जाने की सूचना में भी मिल रही है। गरुण के तहसील प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया, जिसमें मृतक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ गरुण भेज दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने जानमाल का आंकलन कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। वहीं अपर जिलाधिकारी का कहना है कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। वहीं जिले में अपराध नियंत्रण के लिए नैनीताल के एसएसपी ने कई तरकीब निकाली है। जिले के तराई वाले इलाकों में पुलिसकर्मी अब साइकिलिंग से काम्बिंग करेंगे। एसएसपी का मानना है कि पुलिस वाले जब साइकिल से ग्रामीण इलाकों में घूमेंगे तो इससे एक तो उनकी हेल्थ सही रहेगी और दूसरा लोगों के साथ पुलिस का संवाद भी बेहतर बना रहेगा। नैनीताल जिले में रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी और लालकुआ का क्षेत्र तराई वाला इलाका है। ऐसे में इन इलाकों में पुलिस को हर थाने और चौकी में दो दो साइकिल दी जाएंगी, लिहाजा आने वाले समय में तराई के इलाकों में पुलिस साइकिल के माध्यम से काम्बिंग करती नजर आएगी। तो साइकिल दी जाएगी जिसके जरिए अपराध को रोकने की एक नई तरकीब निकाली गई है। साइकिल दी जाएगी पुलिस वालों को जिसके जरिए वो अपने इलाके का भ्रमण कर सकेंगे, घूम सकेंगे, जिससे संवाद स्थानीय लोगों से बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो सेहत है वो भी पुलिसकर्मियों की ठीक रहेगी। तो अपराध रोकने के लिए एसएसपी ने नई तरकीब निकाली है और हर एक थाने में तराई वाले जितने भी थाने हैं उन थानों में दो दो साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। उन साइकिलों पर घूमकर अपने अपने इलाकों का ब्यौरा किया जाएगा। मैदान का थाने होते हैं, ग्रामीण थाने होते हैं, जो दो दो साइकिल दे रहे हैं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो सिपाही है साइकिलिंग में थोड़ा अपने गश्त करें कि दिन का समय पे, पहले शुरुआत में हम दिन को और शाम के समय पे करेंगे। इसमें थोड़ा सड़क का कंडीशन और सुरक्षा का दृष्टिगत का जो भी आके लेना है इसमें थोड़ा मदद मिल जाएगा। पहाड़ों की रानी फिल्मकारों को लुभाती नजर आ रही है। अब लगता है कि मसूरी के पुराने दिन लौट रहे हैं, जिसमें हाथी पांव के जॉर्जे एवरेस्ट की हसीन वादियों में इवाना एंटरटेनमेंट बैनर तले फिल्म फेडरिक नाम की शूटिंग चल रही है, जिसमें निर्देशक राजेश भूटानी का कहना है कि यहां का मौसम और यहां के लोग अच्छे और मिलनसार हैं, लेकिन सरकार से फिल्मकारों को मदद नहीं मिल रही है, जबकि मसूरी की खूबसूरती विदेशों और कश्मीर की वादियों को टक्कर देती है। ये पूरी फिल्म मसूरी बेस्ड है।
और पिछले दो साल से उस फिल्म में लगे पड़े हैं, क्योंकि फिल्म में बहुत बारीकी से दिखा जा रहा है। खास बात ये होगी, इसका एक शॉट, एक भी डायलॉग्स, एक भी सीन किसी भी फिल्म से कहीं से भी लिया हुआ नहीं है। इनर वियर्स की दुनिया का बड़ा नाम जेट नेट वियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने देहरादून में अपनी पहली एनुअल रिटेलर मीट 2015 का आयोजन किया, जिसमें कंपनी के एमडी और निदेशक शामिल हुए। मीट में रिटेलर्स के साथ कंपनी की पॉलिसी साझा करने के साथ ही बेहतर काम के लिए उनसे सुझाव भी मांगे गए। साथ में कंपनी के भविष्य की योजनाओं को भी रिटेलर्स के सामने रखा गया। कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। कंपनी के एमडी बलराम नरूला की माने तो कंपनी ने कभी अपनी पॉलिसी से अलग हटकर काम नहीं किया, अपनी क्वालिटी की वजह से ही लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। कंपनी के निदेशक अंकुर नरूला की माने तो देहरादून में वो भविष्य का बाजार देख रहे हैं। तो कंपनी के एमडी बलराम नरूला इस मीट में शामिल रहे। वार्षिक रिपोर्ट इसमें पेश की गई, एनुअल रिपोर्ट पेश की गई 2015 की। अपने रिटेलर्स के साथ इस कंपनी ने बातचीत की और जो कंपनी की पॉलिसी है वो भी अपने रिटेलर्स के साथ साझा की गई। इसके साथ साथ बताया गया कि देहरादून में अपना जो भावी बाजार है उसको खोजते हैं और बेहतर काम के लिए अपने रिटेलर्स से सुझाव भी मांगे गए। तो बता दें आपको कि एनुअल रिपोर्ट पेश की गई, जेट इनर वियर जो है उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट पेश की, अपने रिटेलर्स के साथ एक मीटिंग की और उसमें सुझाव भी मांगे कि बेहतरी के लिए क्या कुछ सुझाव किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिसी है कंपनी की उसे भी साझा किया गया। हमको जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं उनकी जो उपस्थिति है और उन्होंने जिस शांतिपूर्ण ढंग से कंपनी की बात को सुना, उससे हमको लगता है कि उनको आगे चल करके हमारा उनका जो है वो इस तरीके का जो व्यापारिक रिश्ता है वो और गहरा हुआ। जिस हिसाब से एक डेढ़ साल के ऑपरेशन के बाद ही थोड़ा सा ये लग रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है, प्रोडक्ट्स को हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस मिली हैं, सेल मिली है। वी आर कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, वी आर कमिंग अप विद बेटर प्रोडक्ट्स। उत्तराखंड लोक कला और साहित्य संरक्षण ट्रस्ट चितई की ओर से चितई पंत गांव में 3 दिवसीय गोलू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले गैराड़ गोलू लोक महोत्सव में कुमाऊं और गढ़वाल से दर्जन से अधिक सांस्कृतिक टीमें हिस्सा ले रही है, जो लोक कला और संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन कर दर्शकों की तालियां बटोर रही है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि लोक महोत्सव के माध्यम से यहां के विलुप्त हो रहे पारंपरिक संस्कृति एवं पौराणिक विधाओं को संरक्षित रखा जा सकेगा, साथ इस प्रकार के लोक महोत्सवों के आयोजन से पर्यटन बढ़ेगा। लोक संस्कृति की, लोक कलाओं की, और वो थोड़ी देर लुप्त हो रही है, उसकी हमने चिंता जाहिर की है। और जो हमारे कलाकार हैं वो इसको जीवित रखने का काम करते हैं और ये एक आम हमारे प्रचलन में जैसे पहले होता था फिर प्रारंभ हो सके, ये प्रयास हम सबको करना चाहिए और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए हम सबको मिल करके इस देवभूमि को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।